डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम लोग काउंटर डिज़ाइन पार्ट टू में एसिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करने जा रहे हैं। काउंटर फ्लिप फ्लॉप के इंटरकनेक्शन से बनाए जाते हैं और असिंक्रोनस काउंटर वे होते हैं जिसमें सभी फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग क्लॉक पल्स प्रोवाइड की जाती है। तो कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। असिंक्रोनस काउंटर्स को रिपल काउंटर भी कहते हैं। इसमें जो फ्लिप फ्लॉप यूज में होते हैं वो टॉगल मोड में यूज होंगे। मीन्स हमारे पास यहाँ यूज करने योग्य फ्लिप फ्लॉप है जेके फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप। टॉगल का मीन्स है जब जब क्लॉक पल्स अप्लाई होगी आउटपुट टॉगल हो जाएगा। मीन्स जीरो है तो वन, वन है तो जीरो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इसमें इनपुट क्लॉक पल्स एक ही फ्लिप फ्लॉप को दी जाती है और उस फ्लिप फ्लॉप को LSB फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। अब क्लॉक पल्स देने और आउटपुट से क्लॉक पल्स ड्राइव करने के आधार पर चार प्रकार के काउंटर डिज़ाइन किए जा सकते हैं जो इस डिस्कशन के लास्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम एक टाइप का काउंटर समझ लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 3-बिट ट्रिपल काउंटर है जो अप काउंटर है उसको डिस्कस करेंगे। 3-बिट ट्रिपल काउंटर में 3 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी और कैपिटल N 8 के बराबर होने के कारण इसको मोड 8 काउंटर भी कहेंगे। और मेनली इस डिस्कशन में हम चार पॉइंट पे फोकस करेंगे कि इस 3-बिट ट्रिपल काउंटर का वर्किंग क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है और टाइमिंग डायग्राम क्या है। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं 3-बिट अप काउंटर का। हमने यहाँ पर 3 जेके फ्लिप फ्लॉप काम में लिए क्योंकि 3-बिट अप काउंटर है। सिस्टम क्लॉक फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप FF0 को दी गई है और यहाँ पर हम नेगेटिव ट्रिगर एज क्लॉक काम में ले रहे हैं। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब है कि क्लॉक 1 से 0 जब मूवमेंट करती है तब ट्रांजिशन होगा। और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सारे जे और के को लॉजिक 1 से कनेक्ट किया गया है ताकि वो टॉगल मोड में काम कर सके। FF0 LSB फ्लिप फ्लॉप होगा और FF2 MSB फ्लिप फ्लॉप। और LSB फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q0 नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम करेगा और उसी तरीके से नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप FF1 का आउटपुट FF2 के लिए क्लॉक का काम करेगी। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया है। आप इसको प्रैक्टिस करें और बनाएं और सीखिए। नेक्स्ट अब हम इसकी वर्किंग समझेंगे। LSB फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q0 और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक का काम करेगा और यह आउटपुट इनपुट क्लॉक पल्स की प्रत्येक नेगेटिव एज पे ट्रिगर होगा, टॉगल होगा। और यही आउटपुट Q0 FF1 के लिए क्लॉक का काम करती है। अतः हम कह सकते हैं कि Q0 Q1 की नेगेटिव एज पे निर्भर करेगा। Q1 टॉगल्स व्हेन Q0 चेंजेस फ्रॉम 1 to 0। एंड इसी प्रकार से FF2 का आउटपुट Q2 टॉगल्स व्हेन Q1 चेंजेस फ्रॉम 1 to 0। कुल मिला के हमें यह देखना है कि जब जब 1 से 0 का मूवमेंट होगा तभी ही टॉगलिंग ऑकर होगी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ सीखने लायक। नेगेटिव ट्रिगरिंग का मतलब है जब जब 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन होगा क्लॉक का, या उस समय ही उस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट टॉगल होगा। ट्रुथ टेबल की सहायता से हम समझते हैं। तो हमने ट्रुथ टेबल में तीनों ही आउटपुट Q0, Q1 और Q2 को दर्शा रखा है। सबसे पहले माना कि तीनों ही फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0-0 पे है। हमने पहली क्लॉक पल्स अप्लाई की तो जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की तो Q0 ओ क्लॉक की प्रत्येक पल्स पे ट्रिगर होता है तो Q0 0 से 1 हो गया। बट Q1 और Q2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Q0 0 से 1 हो रहा है, इस समय Q1 और Q2 आउटपुट टॉगल नहीं होंगे। ये सिर्फ नेगेटिव एज ट्रांजिशन पे मींस 1 से 0 होने पे ही ट्रांजिशन होंगे। नेक्स्ट जब सेकंड क्लॉक हमने प्रोवाइड की तो अगेन Q0 तो टॉगल हो गया 1 से 0,
बट Q0 1 से 0 टॉगल होने के कारण Q1 भी 0 से 1 टॉगल हो जाएगा बट Q2 टॉगल नहीं होगा। नेक्स्ट, जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स हमने अप्लाई की, अगेन Q0 0 से 1 टॉगल हो गया बट Q0 0 से 1 टॉगल हो गया है, इसीलिए Q1 भी अब टॉगल नहीं होगा, वो 1 का 1 ही रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ क्लॉक पल्स में अगेन Q0 1 से 0 टॉगल हो गया, जैसे ही Q0 1 से 0 टॉगल हो गया तो Q1 भी 1 से 0 टॉगल हो जाएगा। Q1 1 से 0 टॉगल हो गया मींस अब Q2 को भी 0 से 1 टॉगल होना पड़ेगा, तो Q2 भी अब टॉगल हो गया। यही प्रोसेस फिफ्थ क्लॉक सिक्स्थ क्लॉक तक चलता रहेगा। जैसे ही सेवन्थ क्लॉक हमने प्रोवाइड की तो Q0 0 से 1 हो गया बट इस समय Q1 1 से 1 में ही रहेगा, टॉगल नहीं होगा और Q2 भी टॉगल नहीं होगा। जैसे ही एट्थ क्लॉक देंगे तो Q0 1 से 0 हो रहा है तो Q0 टॉगल हो गया, Q0 टॉगल 1 से 0 होने पे Q1 भी 1 से 0 टॉगल हो जाएगा। Q1 1 से 0 टॉगल हो रहा है इसका मतलब Q2 भी 1 से 0 टॉगल हो जाएगा। इस तरीके से यह सीक्वेंस चलती रहेगी। अब हम देखते हैं कि यह सीक्वेंस 0 1 2 3 4 5 6 7 मींस मोड 8 के रूप में काम कर रही है और ये अप डायरेक्शन में काम कर रही है, इसीलिए इसको 3 बिट अप काउंटर का है। अगेन एट्थ क्लॉक की पोजीशन के समय तीनों फ्लिप फ्लॉप की पोजीशन हो जाएगी 0 0 0 और यही क्रम वापस नेक्स्ट 9 10 क्लॉक पल से चलता रहेगा। ओवरऑल ये ध्यान रखने योग्य बात है कि पॉजिटिव ट्रांजिशन पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन केवल नेगेटिव ट्रिगरिंग या ट्रांजिशन पर ही होगा। नेक्स्ट, इसके यही ट्रू टेबल को हम टाइमिंग डाइग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्लॉक पल्स बता रखी है, टोटल 8 क्लॉक पल्स बता रखी है और नेगेटिव एज पे एरो शो कर रखा है, मींस 1 से 0 मूवमेंट को एरो की सहायता से शो कर रखा है। हमने कहा कि Q0 प्रत्येक क्लॉक पल्स पे टॉगल होता है, मींस 0 से 1 हो जाएगा, तो हमने Q0 को प्रत्येक नेगेटिव एज पे टॉगल किया है 0 से 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड सेकेंड Q1 आउटपुट सेकेंड फोर्थ सिक्स और एट क्लॉक पल्स जब जब Q0 1 से 0 1 से 0 1 से 0 हो रहा है तभी टॉगल होगा और Q2 फोर्थ क्लॉक पल्स पे टॉगल होगा क्योंकि Q1 1 से 0 फोर्थ क्लॉक पल्स और एट क्लॉक पल्स पर ही हो रहा है, तो अगेन Q2 फोर्थ क्लॉक पल्स और एट क्लॉक पल्स पे टॉगल होगा। ये इसका टाइमिंग डायग्राम हो गया। अब जो हमने शुरुआत में बात की थी कि अलग अलग टाइप की ट्रिगरिंग और अलग अलग प्रकार के आउटपुट को काम में लेके 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन संभव है, 2 प्रकार के अप काउंटर और 2 प्रकार के डाउन काउंटर बनाए जा सकते हैं। तो यदि हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग काम में लें सिस्टम क्लॉक में और LSB फ्लिप फ्लॉप से क्यू आउटपुट एज ए नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक काम में ले तो वो अप काउंटर बनेगा, जिसको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से इसी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का यदि क्यू बार आउटपुट एज ए क्लॉक में काम में ले तो वो डाउन काउंटर बन जाएगा, मींस सीक्वेंस 7 6 5 4 3 2 1 0 ये चलेगी डाउन काउंटर में। नेक्स्ट, यदि पॉजिटिव ट्रिगरिंग काम में ले मींस 0 से 1 के समय ट्रिगर हो और क्यू को एज ए क्लॉक के रूप में काम में ले तो वो काउंटर डाउन काउंटर होगा और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और क्यू बार को एज ए आउटपुट काम में ले तो वो अप काउंटर बनेगा। टोटल 4 अभिविन्यास संभव है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके बन सकता है। तो पहले को हमने डिस्कस कर लिया है, दूसरे नेगेटिव एज और क्यू बार एज आउटपुट को हम इस चित्रानुसार शो करें तो ये 3-bit डाउन काउंटर हो जाएगा, इसमें Q0 बार को नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक के रूप में दर्शाया गया है। थर्ड डायग्राम में पॉजिटिव क्लॉक काम में ली है और क्यू आउटपुट को नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक के रूप में शो किया गया है, ये 3-bit डाउन काउंटर हो जाएगा।
और फोर्थ डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव क्लॉक और क्यू बार एज आउटपुट को नेक्स्ट क्लॉक पल्स के रूप में काम में लिया है, तो यह 3-bit अप काउंटर के रूप में काम में लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि काउंटर डिजाइनिंग और रिपल काउंटर के बारे में, अप एंड डाउन काउंटर की कंडीशंस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।